हेलो फ्रेंड्स, आज आप सीखने जा रहे हैं कंप्यूटर के अंदर फोल्डर क्रिएट करना कि फोल्डर कैसे क्रिएट होता है और फोल्डर का आइकन हम कैसे चेंज कर सकते हैं या फिर फोल्डर का नाम कैसे आप चेंज करते हैं। तो आज हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है फोल्डर क्रिएट करने के लिए, माउस से राइट बटन आपको क्लिक करना होगा और राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है न्यू ऑप्शंस पर। जैसे आप न्यू ऑप्शंस पर गए यहाँ पर, तो न्यू ऑप्शन पर जैसे आने के बाद राइट साइड हमारे पास उस ऑप्शन से यहाँ पर शो हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है फोल्डर पर। जैसे आपने फोल्डर पर क्लिक करा तो ये हमारा फोल्डर बनकर तैयार हो गया। ओके, तो इस टाइम हम क्या करते हैं यहाँ पर फोल्डर को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब हम सीखते हैं कि फोल्डर तो आपने क्रिएट हो गया, लेकिन फोल्डर का नाम आप कैसे चेंज करें यहाँ पर। तो फोल्डर का नाम आपको चेंज करने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, माउस से आपको राइट क्लिक करना है फोल्डर के ऊपर और फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है रीनेम ऑप्शंस पर। ओके, रीनेम पर जैसे आप गए तो यहाँ पर आपका जो नाम ऑलरेडी लिखा हुआ था, इस नाम को आप यहाँ से बैक स्पेस की सहायता से हटा दें और जो भी आपका नाम है यहाँ पर आप नाम टाइप करते हैं, जैसे हम नाम टाइप कर रहे हैं राम, देन इंटर। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, राम के नाम से फोल्डर एक क्रिएट हो गया। ओके, अब आपको क्या करना है कि फोल्डर का जो आइकन है वो फोल्डर का हम आइकन यहाँ पर चेंज करना सीख रहे हैं कि फोल्डर का आइकन हम कैसे चेंज करते हैं। तो फोल्डर का आपको आइकन चेंज करने के लिए फोल्डर के ऊपर ही राइट क्लिक करना है आपको और राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है भाई यहाँ पर प्रॉपर्टीज पर। कहाँ जाना है, प्रॉपर्टीज़ पर। ओके, प्रॉपर्टीज़ पे आपको क्लिक करना है यहाँ पर। जैसे आपने प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करा तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस शो हो रहे हैं, तो आपको जाना है यहाँ पर कस्टमाइज पर। कहाँ जाना है आपको फ्रेंड्स, कस्टमाइज पर। कस्टमाइज पे आपने जैसे क्लिक करा तो सामने आपका यहाँ पर शो हो रहा है चेंज आइकन, यानी कि हमें क्या करना है, आइकन को चेंज करना है। तो आइकन चेंज पर आप यहाँ पर क्लिक करें और आइकन चेंज करने के बाद आपको जो भी यहाँ से आइकन सेट करना है वो आप यहाँ से आइकन को सेट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर ट्रेस ले रहे हैं, क्लिक करा एंड यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक करना है, देन ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इस टाइप यहाँ पर फोल्डर का आइकन चेंज कर सकते हैं। ये देखिए राम के नाम से जो हमारा फोल्डर है ये हमारा क्या हो गया, इसका आइकन हमारा चेंज हो गया। ओके, तो इस टाइप आप किसी भी फोल्डर का आइकन चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको फोल्डर क्रिएट करना या आइकन चेंज करना अच्छे से समझ आया होगा।